नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस कर्मिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम चीन के इतिहास और इसके दर्शन का विस्तृत तौर पर अध्ययन कर रहे हैं और ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी प्राचीन काल से आधुनिक युग तक चीन की जर्नी कैसी रही है, चाहे वो पॉलिटिकल जर्नी हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल जर्नी हो। तो पॉलिटिकल जर्नी को जानने के लिए हम इनकी कई सभ्यताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, कई सारी डायनेस्टीज को पढ़ चुके हैं और अभी हम और बची हुई डायनेस्टीज को पढ़ेंगे। कई हिस्टोरिक की इवेंट्स को हमने पहले ही पढ़ लिया था और भी जो बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। साथ ही इसके जो पहले वीडियो में हमने जो चर्चा करी थी, जिसमें हमने चीन का संपूर्ण इतिहास एक ही वीडियो में समाहित करने की पूरी भरसक कोशिश करी थी, जिसमें हमने जाना था कि सिंस द बिगनिंग यानी पैलियोलिथिक पीरियड से, जब से आदि मानव चीन की जमीन पे रहता था और उसके बारे में हमें अवशेष मिलते हैं जिसका समय काल तकरीबन 17 लाख साल पहले का है, वहां से 10,000 बीसी तक का जो पीरियड है जिसे पैलियोलिथिक पीरियड या पूर्व पाषाण काल कहा जाता है, जिसमें आदि मानव घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करता था, उसके बारे में हमने जाना। नियोलिथिक पीरियड के बारे में जाना कि जो आधुनिक पाषाण पत्थर का युग था, नया पाषाण काल जिसे कहा जाता है, उसमें कैसा था, उसमें कौन कौन से कल्चर्स थे। ब्रॉन्ज पीरियड में हमने देखा कि जब चालकोलिथिक पीरियड या ब्रॉन्ज पीरियड जिसमें कहा जाता है, जिसमें पहली धातु के तौर पे ब्रॉन्ज धातु, कॉपर धातु का इस्तेमाल किया जाने लगा, तब कौन कौन से कल्चर्स थे और कौन कौन सी सभ्यताएं थी। फिर अर्ली डायनेस्टीज के बारे में हमने पढ़ा, जो अर्ली थ्री डायनेस्टीज थी जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी थी, ये शिया डायनेस्टी, शांग डायनेस्टी और जो डायनेस्टी, ये हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने इसकी इंटेलेक्चुअल जर्नी के बारे में भी डिस्कशन किया है, इसी दौर की जो इंटेलेक्चुअल जर्नी थी जिसमें कई सारे इनके फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं उनका भी राइज हुआ था। फॉर एग्जांपल, जिन्हें हंड्रेड स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, कन्फ्यूसिज्म, लीगलिज्म, टाओइज्म, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम इंपीरियल चाइना के इतिहास पे पहुंच चुके हैं और इंपीरियल चाइना की जो पहली डायनेस्टी थी उसका नाम है चिन डायनेस्टी, चिन डायनेस्टी, और उसी के नाम पे आज का जो चीन है उसका नाम क्या पड़ा, चीन या चाइना। तो जिसे लिखा तो ऐसे जाता है QIN, लेकिन इसे प्रोनाउंस किया जाता है चिन, ठीक है, चिन। तो ये चिन डायनेस्टी जो है ये शाही चीन का पहला साम्राज्य था, यानी इंपीरियल चाइना की पहली डायनेस्टी थी, पहला राजवंश था, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब चिन डायनेस्टी के बारे में। तो ये डायनेस्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शिया, शांग और जो डायनेस्टी। जो डायनेस्टी रिसेंटली हमने पढ़ी है और जो डायनेस्टी जो है वो चीन के इतिहास की सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी, तकरीबन 800 वर्षों तक, या कहें स्पेसिफिकली 790 वर्षों तक इस डायनेस्टी ने रूल किया। तो इससे पहले चीन डायनेस्टी को अगर हम जाने, उससे पहले आपको जो डायनेस्टी का अंत देखना पड़ेगा। जब एक डायनेस्टी का अंत होता है तब दूसरी डायनेस्टी आती है, एक दौर का अंत दूसरे की शुरुआत होती है। तो जो डायनेस्टी के बारे में अब हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे और तब जाके आपको चिन डायनेस्टी की फाउंडेशन और उसके राइज के बारे में पता चलेगा। तो ये है आज का मॉडर्न चाइना, जिसका मैप आपको कई बार डिस्टर्बिंग नजर आएगा, जिसमें भारत का कुछ हिस्सा इन्होंने खा रखा है उसको ये अपना बताएंगे, या अलग अलग जगह के दृष्टिकोण से जो मैप्स तैयार किए जाते हैं उस पर ज्यादा आप फोकस कीजिएगा मत। हमारा ये मैप है, हम इसे मानते हैं, ये हमारा भारत है, जिसमें इधर से पाकिस्तान ने कुछ इलीगली कुछ हिस्से को ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसे हम POK कहते हैं, और इधर से एक्साई चीन का कुछ हिस्सा चीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन वो हिस्सा भारत का ही है। तो कभी किसी मैप में आपको भारत का कोई हिस्सा या किसी दूसरे देश का कोई हिस्सा चीन का हिस्सा दिखाई दे मैप में, तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, वो अपना एजेंडा नहीं है, वो चीन का एजेंडा है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं चिन डायनेस्टी की, जिसने रूल किया 221 बीसी से 206 बीसी के बीच में, तकरीबन 15 वर्षों तक ही इस डायनेस्टी ने रूल किया, लेकिन उस दौर में इस डायनेस्टी ने चीन का यूनिफिकेशन कर दिया और चीन का एक नया ऐतिहासिक दौर शुरू हो गया, जिसे इंपीरियल चाइना का दौर कहा जाता है। इंपीरियल चाइना की ये पहली डायनेस्टी आई, जिसमें इंपीरियल चाइना का मीनिंग क्या है कि एक सेंट्रलाइज रूल करने वाली डायनेस्टी का दौर, जिसमें डायनेस्टिक गवर्नमेंट जो है चीन में 221 बीसी से 1912 सीई तक जो डायनेस्टीज रूल करती हैं, उनकी शुरुआत कहां से होती है, इस कौन सी डायनेस्टी से, चिन डायनेस्टी से। चिन डायनेस्टी से शुरू होती है और किंग डायनेस्टी तक, चिंग या किंग डायनेस्टी तक इसकी जो है चलती है सीरीज। कहां से, चिन, हैन, जिन, स्वे, टैंग, सोंग, यांग, मिंग, ये सारी डायनेस्टीज जो है वो इंपीरियल चाइना की डायनेस्टीज के तौर पर जानी जाती है। अब देखिए, इससे पहले जो दौर था
221 से जस्ट पहले का जो दौर था उसे वॉरिंग स्टेट पीरियड कहा जाता है। और वो वॉरिंग स्टेट पीरियड एक केओटिक दौर था जिसमें राजनीतिक उथल पुथल बहुत थी और छोटे छोटे किंगडम आपस में लड़ रहे थे। और जो डायनेस्टी के अंत का वो समय था और जो डायनेस्टी का अंत हुआ और उस दौर में वॉरिंग स्टेट पीरियड आया। वॉरिंग स्टेट पीरियड के बाद एक डायनेस्टी जो है वो बाकी डायनेस्टीज को ओवरपावर कर गई जिसका नाम था चिन डायनेस्टी, जिसके नाम पे आगे चल के इस देश का नाम चाइना पड़ा। तो चाइना की हिस्ट्री की पहली डायनेस्टी के तौर पे शिया डायनेस्टी को माना जाता है। शिया डायनेस्टी को हम पढ़ चुके हैं जिसने यहां पे रूल किया। और डायनेस्टी क्या होती है, राजवंश क्या होता है, ये आप जानते ही होंगे कि इस शिया डायनेस्टी से पहले यहां पे रूलर तो थे, राजा तो थे, लेकिन राजवंश का रूल नहीं था। राजवंश का मतलब एक राजा है, राजा का बेटा आगे चल के राजा बनेगा, उसका बेटा आगे चल के राजा बनेगा, पीढ़ी से पीढ़ी वंशानुगत जो है वो राजगद्दी दी जाएगी, ये होता है राजवंश। तो चीन के इतिहास की पहली डायनेस्टी या पहले राजवंश के तौर पर शिया डायनेस्टी को माना जाता है। कुछ लोग शिया डायनेस्टी को मिथिकल डायनेस्टी बोल देते हैं, कह देते हैं कि नहीं ऐसी कोई डायनेस्टी थी नहीं, तो वो लोग कहते हैं कि शांग डायनेस्टी जो है वो पहली डायनेस्टी थी। शांग डायनेस्टी के ऐतिहासिक प्रमाण काफी मिलते हैं इसलिए शांग डायनेस्टी को प्रॉपरली डायनेस्टी माना जाता है। शिया डायनेस्टी के बारे में कई ट्रेडिशनल हिस्ट्री में चीजें लिखी मिलती हैं लेकिन बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती, तो ये कंफ्यूजिंग रहता है। फिर तीसरी डायनेस्टी आती है जो डायनेस्टी, जिसने रूल किया इस बड़े क्षेत्र के ऊपर, और उसके बाद आपकी आती है ये चिन डायनेस्टी जिसने 15 सालों तक रूल किया और इंपीरियल चाइना की शुरुआत करी। अब ये जो चिन डायनेस्टी है इसकी शुरुआत और इसकी फाउंडेशन रखी थी चिन शी शांग ने, चिन शी हुआंग नाम का एक व्यक्ति, जिसका मतलब क्या होता है शी होंगडी, शी होंगडी का मतलब होता है फर्स्ट एम्परर। चाइनीज ट्रेडिशनल लैंग्वेज में शी हुंगडी का मतलब होता है पहला सम्राट। तो पहले सम्राट के तौर पे उन्होंने ये टाइटल लिया, शी ही होंग ने क्या लिया, शी हुंगडी का टाइटल लिया, जो टाइटल पहले भी लिया जा चुका था। पहले जब येलो एम्परर का दौर था, प्री डायनेस्टी का पीरियड था, जब राजवंश भी नहीं थे, उससे पहले भी जो सेज एम्परर्स थे उन्होंने भी टाइटल लिए थे, लेकिन इसने एक बार फिर से फर्स्ट एम्परर का टाइटल लिया। इसने जो पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया, जो पहले वाली डायनेस्टी की जो पॉलिसीज थी डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट की, उसको हटा दिया। देखो जो डायनेस्टी जो थी पहले वाली जो डायनेस्टी थी, माफ कीजिएगा, ये जो डायनेस्टी जो थी आपको मैंने अभी मैप में दिखाई थी, ये जो जो डायनेस्टी थी, इस जो डायनेस्टी के दौर में क्या हुआ था, इस डायनेस्टी ने अपनी सत्ता को डिसेंट्रलाइज कर दिया था, मतलब छोटे छोटे किंगडम्स में बांट दिया था और उनको कह दिया था कि अल्टीमेटली तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे लेकिन तुम्हें थोड़ी स्वायत्तता दी जाएगी, थोड़ी क्या दी जाएगी, ऑटोनोमी दी जाएगी। लेकिन ये जो रीजन है ये उनके डिक्लाइन का कारण बना, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने स्वायत्तता दी थी उन्होंने स्वायत्तता कुछ ज्यादा ही ले ली और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और उसके बाद जो वंश जो है उसका सर्वनाश हो गया। तो ये बात ये शी होंगडी समझता था, इसने सोचा कि वो काम मैं नहीं करूंगा जो कि पिछले वाली जो डायनेस्टी ने किया, अब हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइज रूल एस्टेब्लिश करेंगे, एकदम कंप्लीट स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि राजा के हाथ में होगी सारी ताकत, राजा ही होगा सबसे ज्यादा सुपीरियर, और एक ऐसी एरिस्टोक्रेसी उसने एस्टेब्लिश करी। एरिस्टोक्रेसी को उसने डिक्रीज किया पावर, एरिस्टोक्रेसी की पावर को डिक्रीज किया, मतलब जो बाकी राजवंश के जो लोग थे और अपने अंडर जो काम करने वाले लोग थे उनको तो पावर को कम कर दिया और अपनी पावर को बढ़ा दिया। Eliminate the borders between different state, operate according to precept the philosophy of legalism. Legalism की philosophy को उन्होंने अपनाया। अब legalism की philosophy को मैं detail में पढ़ा चुका हूँ, आप इसे पढ़ें तो separately आपको lectures में मिल जाएगी, इसी playlist में पड़ी है, और बाकी इसके कुछ पहलू मैं आपको इस वीडियो में भी जरूर बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा वो पॉलिसी क्या है जिसकी वजह से इन्होंने पावर को पूरी तरह से सेंट्रलाइज किया, राजा को बहुत ज्यादा अल्टीमेट या अब्सोल्यूट पावर मिल गई। उस अब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करके इसने कई लोगों का दमन किया, कई फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का, कई स्कॉलर्स का दमन किया और अपने आसपास के किंगडम्स का भी दमन किया और साम्राज्य को मजबूत किया। फिर शी हुंगडी का जो रोल है, जो उसकी रेन है, उसमें आपको एक चीज देखने को मिलती है कि उसका मेन फोकस था पावर को कंसोलिडेट करने में, सत्ता का उपभोग अपनी पावर को बढ़ाने में उसने किया, और जो लोअर क्लास थी उसको अपीज करने के लिए, अपील करने के लिए कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उन्हें लगवाया, उनको लगाया, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसकी शुरुआत पहले से हो चुकी थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को किसी एक डायनेस्टी ने नहीं बनवाया है, कई सही डायनेस्टीज ने मिलकर उसका कंस्ट्रक्शन करवाया है, एक
के बाद एक डायनेस्टी छोटे छोटे प्रोजेक्ट करती रही, और वो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जिसमें सैकड़ों की संख्या में दीवारें हैं, उनका निर्माण होता गया। तो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इसका अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हुआ था चिन डायनेस्टी के टाइम पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जब लोगों को काम मिलता था, रोजगार मिलता था, तो उनके लिए भी अच्छा था। ये इस प्रस्पेक्टिव में देखा जाए तो डायनेस्टी का कुछ दौर ठीक था। उसके बाद उन्होंने जो डायनेस्टी के समय और पहले का जो कल्चर था, चाहे वो शांग डायनेस्टी के समय का हो, जो डायनेस्टी के समय का था, और जो कल्चरल अचीवमेंट्स थे, जो फिलोसॉफिकल अचीवमेंट्स थे, उनको बुरी तरह से डिसमेंटेड करने की कोशिश करी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, और बेसिकली कई सारे स्कॉलर्स को मरवाया, कई सारे लाइब्रेरीज को भी इसने जलवाया, लोगों की फ्रीडम के ऊपर इसने प्रतिबंध लगवाए। और ये जो पहलू हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये फिलोसॉफी ऑफ लीगलिज्म के कई सारे एस्पेक्ट्स भी हैं, अपनी पावर को मजबूत करना, लोगों को कमजोर करना, तो ये जो काम है इसने करवाया। हिज ऑब्सेशन विद इमोर्टेलिटी, ये जो व्यक्ति था, कौन, जो इसका फाउंडर है डायनेस्टी का, शी होंगडी, ये बाद में लास्ट में इतना ज्यादा पावर हैंग्री हो गया था, लोग इसे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो ये इमोर्टेलिटी के प्रति ऑब्सेस्ड हो गया था। इससे था कि मैं अब इतना ताकतवर हो चुका हूं, अब मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मैं इमोर्टल हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, और अब्सोल्यूट पावर मेरे पास ही रहे। तो ये पावर हंग्री और सत्ता का इतना लोभी हो चुका था, ताकत के प्रति और अमरता के प्रति, उसके बाद ये बेवकूफ़ी भरे कामों की वजह से मर गया, एक जहर पी गया अमृत समझ के, और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद ये साम्राज्य जो है पतन के रास्ते चला गया, और नई डायनेस्टी जो है हैन डायनेस्टी यहाँ पे आई। एक सिविल वॉर के बाद, एक सिविल वॉर हो गया था अंदर ही छोटे छोटे किंगडम्स के बीच में, जो अंदर आंतरिक तौर पे लड़ रहे थे इसके डिक्लाइन के समय, चिन डायनेस्टी के समय, और उसके बाद चिन डायनेस्टी का अंत हो गया और हैन डायनेस्टी का जो है अस्तित्व सामने आता है। ठीक है, अब मैंने ये आपको ओवरव्यू दिया है, अब इसके पूरे राइज एंड फॉल की कहानी को देखेंगे। तो राइज एंड फॉल ऑफ जो डायनेस्टी को पहले समझते हैं, क्योंकि इसके राइज से पहले जो पहले वाली जो डायनेस्टी थी, जो डायनेस्टी, उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो जो डायनेस्टी से पहले मैं आपको बता चुका हूं दो डायनेस्टी और थी, कौन कौन सी डायनेस्टी थी, एक तो थी शिया डायनेस्टी, एक थी आपकी शांग डायनेस्टी, जिन्हें चाइना के इतिहास की पहली डायनेस्टीज के तौर पर देखा जाता है। ये जो दो डायनेस्टीज थी, शिया डायनेस्टी जो आपको ग्रीन कलर के क्षेत्र में नजर आएगी, और दूसरी जो है शांग डायनेस्टी, जिसका ये मेन हार्टलैंड है, शांग डायनेस्टी का ये मैप है ये, और उसके बाद आती है आपकी जो डायनेस्टी। तो शांग डायनेस्टी को हटा के जो डायनेस्टी जो है वो सत्ता में आई थी, तकरीबन 1600 से 1046 के बीच में शांग डायनेस्टी ने रूल किया, और उसके बाद 1040 से 256 BC के बीच में जो डायनेस्टी का रूल आता है। और जब जो डायनेस्टी सत्ता में आती है तो उन्होंने क्या कहा कि हमें अब मिला है मैंडेट ऑफ हेवन। मैंडेट ऑफ हेवन का कॉन्सेप्ट मैं सेपरेटली पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको एक बात बता देता हूं कि प्राचीन चीन में मैंडेट ऑफ हेवन यानी स्वर्ग से आधिकारिक आदेश मिलने का एक सिद्धांत था, जिसमें एक राजा ये क्लेम करता था कि उसे स्वर्ग से लोगों के ऊपर रूल करने का अधिकार मिला है। तो ये जो डायनेस्टी का रूलर था, जिसने इस डायनेस्टी की शुरुआत करी, और वो जो मोनार्क थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो पहले वाली शांग डायनेस्टी है ये करप्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, और इसने मैंडेट ऑफ हेवन को लॉस्ट कर दिया है। मैंडेट ऑफ हेवन को लॉस्ट करने का मतलब है कि सत्ता पे काबिज रहने का अधिकार खो दिया है, और वो अधिकार कोई भी डायनेस्टी खो सकती है अगर वो सही तरीके से रूल नहीं करे तो। इसीलिए अब इनके हाथों से तो वो सत्ता का अधिकार चला गया है और हमें मिल गया है। तो बेसिकली ईश्वर की मर्जी से लोगों पे रूल करने के अधिकार का ये सिद्धांत था, जिसे मैंडेट ऑफ हेवन कहा जाता है। और बेसिकली इनका ये कहना था कि हम तो आप सभी पे रूल कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड्स विल, ईश्वर की मर्जी के मुताबिक। तो ये जो है इसकी वजह से, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की वजह से बेनिफिट पाते हैं और एक लंबे समय तक रूल करते हैं। तो मैंडेट ऑफ हेवन का कॉन्सेप्ट इस दौर में काफी डेवलप हुआ, और मैंडेट ऑफ हेवन के नाम पे इन्होंने रूल भी किया। अब आगे चल के क्या होता है कि डायनेस्टी जो है वो दो भागों में पड़ी जाती है, जो आपकी जो डायनेस्टी है उसे दो हिस्सों में देखा जाता है, एक था वेस्टर्न जो पीरियड और एक था ईस्टर्न जो पीरियड। वेस्टर्न जो पीरियड और ईस्टर्न जो पीरियड में एक काफी मेजर डिफरेंसेस थे, एक तो राजधानी अलग थी। पहले इनकी जो राजधानी थी वो थी शांग नाम का एक शहर, जिसे इस यहाँ पे देखा जा सकता है, लगभग
यहाँ पे था, और दूसरी समय पे जो ईस्टर्न जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी एक ही है, बस इसने क्या किया राजधानी को बदल लिया है। इसके दौर पे जो पावर है वो कहीं ना कहीं डायनेस्टी के रूलर्स के पास थी, उनकी महत्वता थी, लेकिन ईस्टर्न जो डायनेस्टी के समय पे पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी थी और अब जो है राजा की महत्वता कम हो चुकी थी। इस दौर में स्प्रिंग ऑटम पीरियड और वॉरिंग स्टेट पीरियड आता है, जिसमें कई सारे राजनीतिक उथल पुथल के दौर को आप देखते हैं, राजनीतिक उतार चढ़ाव आता है, छोटे छोटे किंगडम जो है वो ताकतवर हो जाते हैं और जो मेन डायनेस्टी है जो डायनेस्टी वो कमजोर हो जाती है। तो ईस्टर्न जो डायनेस्टी का जो पीरियड है वो 771 से 256 का टाइम है, बाद वाला पीरियड है, और वेस्टर्न जो डायनेस्टी का जो समय है वो 1046 से 771 जो अर्ली पीरियड है वो है। ठीक है, अब आगे चल के क्या होता है कि जो ईस्टर्न जो डायनेस्टी का समय है, ईस्टर्न जो डायनेस्टी का समय बेसिकली, इसके समय पे जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि देखो अल्टीमेटली राजा तो यहां से रूल करेगा और मेरे पास है मैंडेट ऑफ हेवन, अब मैं क्या करता हूं अपने साम्राज्य को छोटे छोटे किंगडम्स में बांट देता हूं, यहां पे गवर्नर नियुक्त कर देता हूं, गवर्नर्स बना देता हूं, इन गवर्नर्स के पास अपनी आर्मी होगी, अपने टैक्सेशन पॉलिसीज होंगी, अपने कुछ पॉलिटिकल जो है रूल रेगुलेशंस बनाने के अधिकार होंगे, काफी ऑटोनॉमी इनके पास होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये चीन के एम्परर नहीं है, चीन के कोई राजा नहीं है, ये मेरे प्रति वफादार रहेंगे। ये जो डायनेस्टी के एम्परर की मानसिकता थी, इन सभी लोगों ने शुरुआती समय में तो ये बात मान ली, इनको क्या दिक्कत थी, इनको तो स्वायत्तता मिल ही रही थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये छोटे छोटे किंगडम, जिसमें आपको चिन किंगडम भी दिख रहा है जो आगे चल के इनकी सारी सत्ता को खा जाएगा, इन सभी ने क्या कहा कि ठीक है हम आपके प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन जो ही एक पीढ़ी दो पीढ़ी निकली उसके बाद यहाँ पे राजा बदल गया और यहाँ पे भी गवर्नर बदल गया। अब ये जो गवर्नर्स थे ये सोचने लग गए कि हमारे पास अब इतनी ताकत हो चुकी है कि हम राजा के प्रति लॉयल रहें या ना रहें ये हमारी मर्जी है, तो ये राजा के प्रति लॉयल नहीं रहे और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, इनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो अब ये आपस में झगड़ने लग गए किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए। तो ये जो दौर था इसे स्प्रिंग ऑटम पीरियड कहा जाता है, इसमें लड़ाइयां दंगे होने लग गए थे इन छोटे छोटे किंगडम्स के बीच में, और ये जो दौर था ये जो पॉलिटिकल केओस का दौर था जिसमें लड़ाइयां वायलेंस ये सब चीजें हो रही थी, इस दौर में आपको एक चीज देखने को मिलती है कि चीन के इतिहास का सबसे बड़ा दार्शनिक दौर शुरू होता है, दर्शन का दौर, जिसमें कई सारे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है उनका जो है इमरजेंस होता है, जैसे हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, नाम तो इसका हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट है लेकिन यहाँ पे हैंडेड नहीं, ये नहीं कि कोई एग्जैक्ट 100 दर्शन जो है उनका राइज हुआ, यहाँ पे मतलब है कई सारे दर्शन का राइज हुआ, जिसमें कन्फ्यूसिज्म, टाओइज्म, लीगलिज्म, जिन सभी को हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा ये सब दर्शन आप पढ़ चुके हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जरूर पढ़िएगा, आपको चीन के लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा, उनकी इंटेलेक्चुअल जर्नी के बारे में पता चलेगा कि ये दर्शन कैसे राइज हुए और इनके सिद्धांत क्या थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दार्शनिकों के जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनका जन्म होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूसिज्म, टाओइज्म, लीगलिज्म, मोहिज्म, एग्रीकल्चरलिज्म, लॉजिशियनिज्म, ये सब पढ़ चुके हैं हम, स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी, स्कूल ऑफ मिलिट्री, यिन यांग, स्कूल ऑफ नेम, सब पढ़ चुके हैं। इनको देखिए कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई जो फिलोसॉफी है वो डोमिनेटिंग नजर आ रही थी। ये यान डायनेस्टी जो डायनेस्टी के दौर का ही समय था। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये मेनकियस जो कि कौन थे, कन्फ्यूशियस फिलोसॉफी के एक फिलोसोफर थे, कन्फ्यूशियस खुद कन्फ्यूशियज्म के फाउंडर थे, है ना, हैंशी, मोजी, ये कितने सारे फिलोसोफर्स आपको नजर आ रहे हैं जिनके अलग अलग सिंबल्स बना रखे हैं, ट्राइंगल्स, कोई के डॉट, कोई के गोले, इस तरह से बना रखे हैं अलग अलग कलर में। तो ये फिलोसोफर्स जो हैं वो अपने अपने समय के अपने अपने विचारों को प्रमोट कर रहे थे, सबके अपने विचार थे, कोई सोशल हार्मनी को एस्टेब्लिश करना चाहता था, कोई चाहता था कि पॉलिटिकल जो ऑर्डर है उसे किसी भी तरीके से मैनेज किया जाए, और लीगलिज्म जैसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म प्रैग्मेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉज का इस्तेमाल करके राजा को ताकतवर बना के पूरे साम्राज्य का क्या करा जा सकता है, यूनिफिकेशन किया जा सकता है और ये पॉलिटिकल केओस जैसे खत्म किया जा सकता है। कुछ यूनिवर्सल लव और मेरिटोक्रेसी जैसी बातों को प्रमोट कर रहे थे मोजी, मोहिज्म जैसे लोग, जिनका ये था कि सबको अगर हर इंसान दूसरे व्यक्ति से प्रेम करेगा बिना किसी भेदभाव के, किसी अपने पराए का
लक्षण देखे बिना तो बहुत कुछ बदल सकता है हमारे समाज में, एक हार्मनी स्टेब्लिश हो सकती है इम्पार्शियल यूनिवर्सल लव करके। तो ये जो बातें हैं इन फिलोसोफर्स ने कही, और लाओ जिन जिन्होंने टाओइज्म के फाउंडर के तौर पे देखा जाता है, इन्होंने क्या कहा कि बैलेंस जरूरी है और शून्यता में होना, मतलब हर इंसान को एफर्टलेसली क्वाइट होकर काम करना जरूरी है, नॉन एक्शंस की बात करी। तो ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं टाओइज्म कन्फ्यूशियसिज्म मोहिज्म में और लीगलिज्म। तो इस दौर में स्प्रिंग ऑटम पीरियड और आगे के पीरियड में ये फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का राइज हो रहा था। अब ये जो लड़ाइयां हो रही थी ये और ज्यादा ताकतवर हो गई और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, और ये जो और छोटे छोटे रीजन्स थे और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए और पावरफुल हो गए, आपस में लड़ने लग गए। लड़ने लग गए तो क्या हुआ, लड़ाई के बाद ये छोटे किंगडम जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, छोटे छोटे किंगडम्स को बड़े किंगडम जो हैं वो हराते चले जाएंगे और बड़े किंगडम और ताकतवर होते चले जाएंगे। और अल्टीमेटली स्थिति ऐसी आती है कि ये जो कई सारे किंगडम थे जिसमें आपको संख्या में 100 से ज्यादा किंगडम नजर आ रहे हैं, ये कौन से दौर में, स्प्रिंग ऑटम पीरियड में, ये आपस में जुड़ जुड़ के 7 किंगडम के तौर पे बसते हैं। सिर्फ 7 किंगडम बसते हैं जिनके नाम क्या थे, चू हैंस की चिन वी यान एंड जो, ये 7 किंगडम बसते हैं। ये 260 के आसपास का मैप है। ये वॉरिंग स्टेट चाइना की बात चल रही है, वॉरिंग स्टेट चाइना में क्या है कि ये 7 किंगडम बचे जिसमें भी सबसे ताकतवर आपको नजर आता है चिन किंगडम, जो कि आगे ताकतवर साबित भी होता है। तो ये जो किंगडम्स थे ये आपस में लड़ रहे थे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, क्योंकि किसी को भी सुप्रीमेसी हासिल नहीं हो रही थी, कोई भी जो है वो मैंडेट ऑफ हेवन हासिल नहीं कर पा रहा था। अभी भी जो डायनेस्टी के पास ही मैंडेट ऑफ हेवन था, इसलिए जो दौर था ये अभी भी जो डायनेस्टी का ही दौर चल रहा था। लेकिन जो डायनेस्टी के पास पावर नहीं थी, मैंडेट ऑफ हेवन का सिर्फ एक नाम था लेकिन पावर इन किंगडम्स के पास थी, और ये किंगडम जो है आपस में लड़ रहे थे। तो इन सभी को पावर देने के लिए कि कोई एक तो जीते, कम से कम एक जीतेगा तो पॉलिटिकल केओस खत्म होगा और क्या होगा कि चीन का यूनिफिकेशन होगा। तो इस दौर में एक और फिलोसोफर थे सुनजू, जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर नाम की एक किताब लिखी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब लिखी जिसमें इन्होंने किस तरीके से मिलिट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके खुद को डिफेंड करना है और सामने वाले को परास्त करना है, इसके ऊपर काफी सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स को लिखा, लड़ाई जीतने के तरीकों के ऊपर बहुत डिटेल में लिखी गई किताब, और ये अपने अपोनेंट को हराने के लिए एक बहुत ही कमाल की किताब मानी जाती है, ना केवल वॉरफेयर में बल्कि चाहे बिजनेस टैक्टिक्स की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, ये एक बहुत ही कमाल की किताब थी। तो इस फिलोसॉफी का इस्तेमाल करके इस चिन डायनेस्टी ने इन सारे किंगडम्स को एक के बाद एक हराया। अब चिन डायनेस्टी ने इन फिलोसॉफी को अपनाया, जो आर्ट ऑफ वॉर जो सुनजू की किताब थी, लेकिन साथ ही साथ और भी कुछ लोग थे जिनकी मदद से और उनकी फिलोसॉफी से, उनके स्किल से ये जो किंगडम है, ये जो साम्राज्य है, इसका राइज होता है। तो अगर हम बात करें चिन की, जो चिन किंगडम था पहले से था, चिन किंगडम आपको अभी वॉरिंग स्टेट पीरियड से तो नजर आ नहीं रहा है, इससे पहले भी था, आपको स्प्रिंग ऑटम पीरियड में भी तो चिन किंगडम नजर आ ही रहा है। तो चिन किंगडम का हिस्टोरिक बैकग्राउंड अगर देखें तो माना जाता है कि जब डायनेस्टी पीरियड शुरू नहीं हुआ था, उससे भी पहले जो प्री डायनेस्टी पीरियड था जिसमें लेजेंडरी रूलर्स का रूल हुआ करता था, जिन्हें 5 सेज एम्परर ऑफ चाइना कहा जाता है, संत राजा थे जो अपनी मर्जी से, जिनको जनता राजा बनाती थी और जनता बनाती थी, उसके बाद वो राजा अपनी मर्जी से अपने पद को त्याग के किसी दूसरे को राजा अपॉइंट कर देता था। तो उनमें से एक राजा थे जिनका नाम था जाओयांग। जाओयांग जो है वो इसी क्षेत्र के थे और उन्होंने कई सारे जो हैं कई लंबे समय तक रूल किया था प्री डायनेस्टिक पीरियड में, और डायनेस्टीज पीरियड का शुरुआत भी नहीं हुई थी। और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं जिनको यिन फैमिली कहा जाता है, उन्होंने कहीं ना कहीं जाके इस चिन वाले क्षेत्र के अंदर अपना जो है डेरा जमा लिया था, चिन वाला क्षेत्र उसे फॉर्म किया था। और इन लोगों का इसके लिए था कि ये अच्छे घुड़सवार थे और घोड़ों की ब्रीडिंग बहुत अच्छी करते थे। तो फैजी नाम का एक व्यक्ति था, वो एक बहुत ही अच्छा इन फैमिली का घुड़सवारक था और बहुत सारे घोड़े थे उसके पास, बहुत सारे घोड़ों की ब्रीडिंग कर रखी थी और घोड़ों की बहुत ज्यादा महत्व था उस दौर में, बढ़ गई थी वॉरफेयर की वजह से, वॉरफेयर के लिए। तो राजा जियो ने, जो डायनेस्टी का जो रूलर था, उसने चिन वैली में इस व्यक्ति फैजी को काफी सारी जमीन दे दी, रिवॉर्ड दे दिया कि भाई तुम अपने घोड़ों का इस्तेमाल करना, हमें जब जरूरत हो, हमें कभी
वॉरफेयर में जरूरत हो तो तुम आ जाना हमारी मदद करने के लिए। और उसके बाद इस व्यक्ति को वो ऑटोनॉमी दे दी जिसकी मैं बात आपको से कर रहा था कि जब किंगडम का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ जो डायनेस्टी के समय, तो कई लोगों को पावर दी गई, तो उनमें से ये भी थे चिन किंगडम वाले भी। अब ये लोग जो है वो मिलिटरली बेटर थे क्योंकि इनके पास घोड़े थे और घोड़ों का इस्तेमाल करना इनको अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी वॉरफेयर तो नहीं जीत पा रहे थे, वॉरिंग स्टेट पीरियड में जीत नहीं पा रहे थे, इनको इस्तेमाल करना पड़ा सुजुकी वॉर ऑफ आर्ट ऑफ वॉर का। और एक शान यांग नाम का एक व्यक्ति था जो कि काफी ज्यादा आर्ट ऑफ वॉर से इंस्पायर्ड था और लीगलिज्म की फिलोसॉफी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर था वो शान यांग। और ये एक स्टेटमैन भी था, बेसिकली पॉलिटिशियन था, कहाँ का, शिन किंगडम का, इस चिन किंगडम का। तो इस व्यक्ति ने काफी सारी बातों का जो है एडवोकेसी करी, एक तो टोटल वॉरफेयर की इसने एडवोकेसी करी कि एक कंप्लीट युद्ध करना है इनके खिलाफ, शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सामने वालों को हराना है और अपना जो है अपने आप को डिफेंड करना है और अपनी पावर को मजबूत करना है किसी भी कोस्ट पे। तो वो कहते हैं ना देर इज नो बाउंड्रीज इन लव एंड वॉर, तो वो वाला इसने किया कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वो वॉर में इन्होंने कहा सब कुछ जायज है और किसी भी तरीके से किसी को भी धोखा कपट छल करके या हरा के हमें जीतना है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, पहले के जो तरीके थे तौर तरीके थे उनको तो हटाया, इग्नोर किया और इन्होंने एक के बाद एक डायनेस्टीज को हराना शुरू किया। और ऐसे करके जो वॉरिंग स्टेट पीरियड में ये जो चिन कॉन्क्वेस्ट है उसकी शुरुआत होती है। तो चिन कॉन्क्वेस्ट यहां से शुरू होते हैं, हैन को हराते हैं 230 में, चू को हराते हैं 223 में, बीसी की बात चलती है 225 में वी को हराते हैं, 228 में जॉ को हराते हैं, 223 में की को हराते हैं, 222 में हैन को यान को हराते हैं और 221 आते आते कंप्लीटली चिन डायनेस्टी का रूल यहां पे एस्टेब्लिश हो जाता है और चिन डायनेस्टी इंपीरियल चाइना को पूरी तरह से फतेह कर देती है। और इंग यांग जेंग नाम का जो व्यक्ति है वो शी हुंगडी नाम से अपने आप को पहले एम्परर ऑफ चाइना के तौर पे एस्टेब्लिश करता है। तो शी हुंगडी का ओरिजिनल नाम तो क्या था, यिन जेंग। यिन जेंग ने चीन के पहले शासक या पहले एम्परर की उपाधि ले ली, हालांकि इनसे पहले कई सारे एम्परर हो चुके थे लेकिन टाइटल शी हुंगडी का इसने भी लिया। तो शी हुंगडी का टाइटल लेने वाला ये व्यक्ति था और यहां पे चिन किंगडम या चिन डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। तो ये तो राइज की बात हो गई, अब इनकी रूल पॉलिसी और टायरनी की बात कर लेते हैं क्योंकि इनका जो दौर था वो किस तरीके का दौर था, किस तरीके से रूल किया। तो इन्होंने सबसे पहले चीन का यूनिफिकेशन किया, पावर को कंसोलिडेट किया, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद इन्होंने सेरेमनीज को सिंप्लीफाई कर दिया कि सेरेमनीज कोई बड़ी नहीं होंगी, मेजर नहीं होंगी, स्टेट कोइनेज को इन्होंने शुरुआत किया, फ्यूडल सिस्टम जो था उसको एक तरीके से पावर कम दी और फ्यूडल स्टेट्स में डिवाइड तो किया लेकिन पावर अल्टीमेटली राजा के पास थी। पीजेंट प्रायोरिटीशिप को ऑन द सोल को इस चीज को इन्होंने महत्वता दी, पीजेंट्स को महत्वता दी बेसिकली, फ्यूडल लॉर्ड्स को कम दी। ही पेव्ड द वे टू यूनाइट बिल्डिंग ग्रेट हाईवेज, ग्रेट वॉल्स और इस तरीके के जो इंपीरियल प्रोजेक्ट्स थे उनकी शुरुआत इसने करी, ग्रेट ग्रैंड कैनाल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इनके ऊपर इन्होंने काफी सारा काम किया। साइंस को इनकरेज किया और लेटर्स को और फिलोसॉफीज को डिस्करेज किया, सिवाय लीगलिज्म के इन्होंने सभी फिलोसॉफीज को बहिष्कृत किया। क्यों? क्योंकि इनकी टायरनी के खिलाफ आ रही थी उनकी विचारधाराएं, तो उनको इन्होंने उनका दमन किया। नोमेडिक जुआंगू जो नॉर्थ से जो थे, जो मंगोलियन तरफ से जो लोग थे, उनसे बचने के लिए ही मेनली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इन लोगों से बचने के लिए जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, यहाँ पे कई ट्राइब्स थी, उनसे बचने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के प्रोजेक्ट चल रहे थे और एक के बाद एक अलग अलग डायनेस्टीज ने यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनवाया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कोई एक दीवार तो है नहीं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दीवारें हैं। तो अलग अलग वंशों ने इसके ऊपर काम किया है। चिन डायनेस्टी से पहले से भी चल रहा था काम, कुछ दीवारें बन चुकी थी लेकिन चिन डायनेस्टी के समय पे इसका जो है प्रोजेक्ट और बेहतर तरीके से हुआ। और इंपीरियल चाइना के दौर में चाहे वो चिन डायनेस्टी हो, हैन डायनेस्टी हो, टैंग डायनेस्टी हो, इन सभी डायनेस्टीज ने इसका निर्माण करवाया है। तो ये जो आपको अलग अलग कलर में डायनेस्टीज के दौर पे जो दिख रही हैं दीवारें वो बनाई गई। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सेपरेटली भी मैं कभी आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दीवार है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, सेवन वंडर्स में से मानी जाती थी ये पहले। तो ये
आपको दीवारें नजर आ रही हैं जो अलग अलग डायनेस्टीज ने बनवाई। तो चिन डायनेस्टी ने जो दीवारें बनाई जो ब्लू कलर में नजर आ रही है वो ये, ठीक है। तो चिन डायनेस्टी ने भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। शी हुगडी ने जो कि एम्परर था, उसने सारे जो स्टेट्स थे, दूसरे किंगडम थे, उन सभी को कहा कि अपने अपने वेपन्स को सरेंडर कर दो। किसी के पास वेपन ही नहीं रहेगा, अगर वेपन रहा तो कल को कोई विद्रोह कर दे, विद्रोह करेगा उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इनको क्या कह दिया, या तो मरो या फिर सरेंडर कर दो सारे सारे वेपन। कैनाल प्रोजेक्ट्स भी शुरुआत करवाई, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वैसे ग्रेट ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना भी है। बहुत बड़ी कैनाल बनाई गई थी जिसने चाइना की बड़ी मेजर नदियों को, मेजर रिवर्स को आपस में जोड़ के यहाँ के जो कैनाल सिस्टम को मजबूत किया। एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स में उसने काफी मदद करी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंडेट ऑफ हेवन का जो कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने ज्यादा महत्वता दी नहीं, और उसको इस्तेमाल सिर्फ अपनी पावर को मजबूत करने के लिए किया। क्योंकि मैंडेट ऑफ हेवन में एक कॉन्सेप्ट ये भी तो था कि राजा के असर पावर जली जा सकती है अगर वो गलत तरीके से, मिसबिहेव तरीके से, या करप्शन करेगा या लोगों का दमन करेगा। लेकिन इन्होंने उस बात को खारिज कर दिया, कहा कि हमारे पास मैंडेट ऑफ हेवन है और हमारे पास ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता हमसे। सेल्फ इंपोर्टेंस को और अपनी पावर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। लोगों के प्रति ये किसी भी तरीके के जवाबदेह अपने आप को समझते नहीं थे। तो इन्होंने शुरुआती समय में तो ग्रेट कैनाल और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में जो लोग काम कर रहे थे उनको पैसा दिया, लेकिन बाद में उनको भी स्लेव बना लिया, और स्लेव बना के उनको सिर्फ काम करवा देते थे, उनको सिर्फ बेसिकली घटिया खाना वाना देके उनसे काम करवाते थे। तो एक टायरनी शुरू हो गई, बेसिकली एक डिक्टोरियल रवैया था उनका, और वो शुरू हो गया, लोगों के ऊपर दमन चल रहा था इनका। उस दौर में इन्होंने लीगलिज्म की फिलोसॉफी को अपनाया, और लीगलिज्म की फिलोसॉफी को एडवोकेट किया था शांगयांग नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि पहला स्टेटमैन था, और दूसरे बाद में हैन फेजी नाम का एक फिलोसोफर जिसने भी इसको डेवलप किया था। हैन फेजी ने शांगयांग के कुछ विचारों को क्रिटिसाइज किया और कुछ विचारों का समर्थन किया। तो इसमें बेसिकली ये था कि कैसे लोगों को कंट्रोल करना है, कैसे लोग ड्रेस होंगे, क्या बोलेंगे, क्या कितना उनको अधिकार मिलेगा, कैसे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, और लोगों को कंट्रोल में रखना है, पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना है। तो लीगलिज्म की ये फिलोसॉफी थी, आप इसको पढ़ सकते हैं, सेपरेटली पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया है। बेसिकली ये कि राजा को सारी ताकत दे देनी है, और इसके बिलीव क्या थे कि लोग जो है वो नेचुरली बुरे होते, उनके पास लोग जो है सेल्फिश होते हैं, उनको कंट्रोल में रखना जरूरी है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए राजा को ताकतवर होना और स्ट्रिक्ट रेगुलेट एनफोर्समेंट और स्ट्रिक्ट लॉज का होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति छोटी सी भी गलती करता है तो उसको हार्श पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि लोग कंट्रोल में रहें, एग्जाम्पल सेट हो सके। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको भी केयरफुली रखना चाहिए, एक दूसरे के लोगों के ऊपर क्या करना चाहिए, जासूसी करवानी चाहिए, लोगों को बहुत कम पावर देनी चाहिए, और रूलर को अब्सोल्यूट पावर देनी चाहिए, उसके पास मिलिट्री और सभी तरीके की एक अब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए कि उसे कोई कंट्रोल ना कर सके, और राजा को किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इस तरीके की बातें करने वाली ये फिलोसॉफी जो अपने आप में डिक्टेटरशिप टायरनी को सपोर्ट करती है, इसमें बेसिकली इनका रीजन क्या था इसके राइज होने का, बेसिकली ये था कि वॉरिंग स्टेट पीरियड में जो कुछ इन्होंने देखा कि लोग ना तो कंट्रोल में हैं और ना ही कोई एक पावरफुल राजा जो है ताकतवर बन पा रहा है, तो इसलिए इस तरीके की फिलोसॉफी आई। तो इस तरीके की फिलोसॉफी आई जिसके कई सारे आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म हैं ऑब्वियसली। तो इस फिलोसॉफी को अपनाया क्योंकि ये फिलोसॉफी क्या कर रही थी, इस डायनेस्टी को, चिन डायनेस्टी के रूलर्स को मजबूत कर रही थी। अपनी ताकत को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लीगलिज्म की फिलोसॉफी को अपनाया कि भाई बेसिकली ये है कि लोगों को कंट्रोल में रखना है, स्ट्रॉन्ग कानून व्यवस्था बनानी है, उनको जब अगर कोई छोटी मोटी गलती भी करे तो उसको इस तरह से पनिश करना है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके और राजा को कोई चुनौती ना दे सके। ये चीजें हो रही थी और ऐसी स्थिति हो रही थी तो ऑब्वियसली लोगों की स्थिति तो खराब ही थी। लोगों की स्थिति जो है ऐसी हो रखी थी कि उनकी जिंदगी का कुछ ठिकाना नहीं था, अनसर्टेन हो चुकी थी, वॉरिंग स्टेट पीरियड से भी स्थिति खराब हो चुकी थी। कल किसको, कौन सरकार का आदमी आके, कौन राजा का आदमी आके मार दे, गोली मार दे, गोली क्या मतलब मार दे काट दे, कुछ भी कर सकता था, और कुछ किसी के पास अधिकार नहीं थे, ना बोल ना तो किसी तरीके के सिविल राइट्स थे, ना किसी तरीके के फ्रीडम ऑफ स्पीच था। तो इससे स्थिति वॉरिंग स्टेट से भी खराब हो गई, और बेसिकली लोगों को अधिकार नहीं था किसी तरीके का विद्रोह करने का भी, विद्रोह करने के लिए उनके पास किसी तरीके के हथियार नहीं थे क्योंकि सभी जो हथियार रखने के अधिकार थे वो सिर्फ और सिर्फ राजा के लोगों को थे, उनके पास थे नहीं अधिकार। तो इस तरीके से लोगों को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा हुआ था, उनके ऊपर
स्पाइस भी रखे हुए थे, मतलब जासूस बिठाए गए थे, सीक्रेट पुलिस लगाई गई थी, और कभी भी किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता था अगर कोई लगता था कि वो राजा के खिलाफ जा रहा है। इस तरीके से चीजें हो रही थी। अब इस दौर में जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट पहले से थे, उन्होंने कई सारे लोगों ने इनका विरोध किया, जैसे कन्फ्यूशियस स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने इनका विरोध किया और कहा कि देखो स्थिति बड़ी ही नाजुक है, बहुत ही खराब है, ये लोग तो हमारा बहुत दमन कर रहे हैं। और इवन इन्होंने पहले वाली डायनेस्टीज के साथ भी इसका कंपेयर किया, जो डायनेस्टी और उसके दौर में, और कम से कम ये कहा कि जो डायनेस्टी के समय पे जो डिसेंट्रलाइजेशन था, फ्यूडल सिस्टम था, वही बेहतर था। कम से कम सबको पावर तो मिली हुई थी, एक ही आदमी तो सबसे ताकतवर नहीं था, और सभी सारी सोशल क्लासेस जो है वो कम से कम खुश तो थी, भले ही पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी लेकिन कम से कम लोग तो खुश थे। और इस राजा ने तो आके सब कुछ, सबकी पावर को छीन लिया और सिर्फ खुद के हाथ में सारी पावर ले ली, लोगों को अपना दास बना दिया है। तो इस तरीके की बातें हुई, तो ये चीजें पता चली। तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था लीसुई, उसने कहा 213 BC में कि देखो ऐसा है कि ये चाहे कन्फ्यूशियस हो, टाओइज्म के फिलोसोफर हो, मोइज्म के हो, इन सबको भी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लीगलिज्म की फिलोसॉफी को छोड़ के बाकी सारी स्कूल ऑफ थॉट्स को जला दिया जाए, उनके स्कॉलर्स को मारा जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, चाहे 5 Classics हों, 4 Books हों, 100 स्कूल ऑफ थॉट्स हों, सबको डिस्ट्रॉय किया जाए, और जो भी इनको रोकने की कोशिश करा और इन फिलोसॉफीज को प्रमोट करेगा उसको भी मारा जाएगा। तो ये काम हुआ, इसकी वजह से कई सारे लोगों को मारा गया, कई सारे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं उनकी किताबों को जलाया गया, उनके स्कॉलर्स को मारा गया, और बहुत से लोगों को एग्जीक्यूट किया गया जिन्होंने भी विद्रोह करने की कोशिश करी। कुछ कार्य जो हैं उस दौर के वो बच गए, बाकी बहुत सारे जो किताबें हैं उनको जलाया भी गया। ये चीज़ें इस दौर में हुई। तो ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा दौर था जिसमें लोगों का दमन हो रहा था, भले ही चीन का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया था लेकिन लोग बड़े परेशान थे। अब 213 में शी हुंगडी जो है वो और ज़्यादा पैरानॉइड हो गया, इरेक्टिक हो गया, पावर, वो कहते हैं ना पावर करप्शन एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, इतनी ज़्यादा ताकत हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट और बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड किस्म का आदमी हो गया था। उसे मारने के लिए 3 प्रयास भी किए गए असैसिनेट करने के, लेकिन सफल नहीं हुए लोग। और उसके बाद वो डर गया तो उसने अपना कमरा बदलता रहता था, वो हर रात अलग अलग जगह पे सोता था, उसे लगता था कि मेरे को कोई मार ना दे, मैं इतना ताकतवर आदमी अगर मर गया सोते सोते तो क्या वैल्यू बचेगी। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं अमर हो जाता हूँ, अमर होने का रास्ता ढूंढने लग गया, अलग अलग जगह ढूंढ के अलग अलग तरीके के अमृत ढूंढता था वो, कि अमृत ऐसा कोई अमृत मिल जाए जिससे वो जिंदगी वो कभी मरे ही ना। और इसके साथ ही साथ उसको लगा कि अगर चलो ना मरूं मैं, लेकिन मर गया तो उसने सोचा कि एक मेरा भव्य ग्रैंड टॉम तो होना चाहिए। तो उसने एक बहुत बड़ा टॉम बनवाने के लिए भी पहले से ही अपने जीते जी ही वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ी सिटी के जैसा उसने एक बहुत बड़ी आर्मी का उसमें टेराकोटा जैसी आर्मी जो होती है उसकी स्टैचूज वगैरह बनवा के एक बहुत बड़ा टॉम बनवा दिया, टॉम भी बनवा रहा है, इमोर्टिलिटी की तरफ जा रहा है। तो पागल तो हो चुका है ये आदमी, पावर में एकदम बेवकूफ हो चुका है। और उसके बाद एक बार एक जहर पी गया, मरकुरी का वो पी गया, जहर पी गया, माना जाता है कि उसने सोचा कि ये अमृत है इससे मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन मर गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि मर्डर किया गया, शायद उसे पिलाया गया और कोई को पता नहीं एक्सीडेंटली था या कैसे था, लेकिन मर गया। अब इसकी मृत्यु के बाद पावर किसके हाथ में जाएगी, उसके बेटे थे फूसू और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था हुई हाई। तो फूसू पॉपुलर था और लायक भी था, लेकिन उसे पावर नहीं दी गई क्योंकि लीसुई जो प्रधानमंत्री था वो चाहता था कि उसके हाथ का व्यक्ति जो है वो बने, उसके लिए कठपुतली शासक चाहिए था उसे। तो कठपुतली शासक के लिए उसने हुई हाई को शासक बनाया। और हुई हाई को किसने बनाया, लीसुई और एक जाओ गो नाम की एक चांसलर था। तो एक प्रधानमंत्री और चांसलर ने मिलकर मैनिपुलेट करके हुई हाई को बना दिया, फूसू को नहीं बनाया क्योंकि फूसू जो है वो स्ट्रॉन्ग आदमी था, पॉपुलर था, वो पावर में आता तो उनके कंट्रोल में नहीं रहता। अब लीसुई और चांसलर जो ने आपस में मिलके साठ जाट करके बेसिकली एक नया शासक बना दिया ये हुई हाई को, जिसे चिन इर सी नाम के एम्परर के नाम से बाद में जाना गया। अब इस दौर में ये व्यक्ति भी बहुत बेवकूफ था, वीक था, साथ में ये अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहता था, तो नोटोरियस बिहेवियर हो गया इसका, बहुत ही हार्श हो गया, किसी को भी मरवा दो, आदेश दो, किसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, किसी भी तरीके की बुरी खबर उसे कोई सुनाता था उसको भी मार देता था। तो उस दौर में एक पॉपुलर सेइंग हो गई थी, डोंट किल द मैसेंजर, एटलीस्ट जिस आदमी ने आपको सिर्फ मैसेज दिया है उसको बुरा मैसेज देने के लिए क्यों मार रहे हो। तो कोई बुरी न्यूज भी राजा को सुनाने में डरता था क्योंकि उसे लगता था कि क्योंकि मैंने बुरी न्यूज सुनाई है मुझे मार देगा। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी। फिर जाओ गाओ को
ये बाद में इन दोनों के बीच में भी गड़बड़ हो गई, ये जो लीज हुई प्रधानमंत्री था और चांसलर जाओ गाओ था, इन दोनों के बीच में मतभेद आ गया कोई, तो इन्होंने क्या किया, जाओ गाओ ने जो चांसलर था उसने लुइसवी जो प्रधानमंत्री था उसको अक्यूज करवाया कि ये इसने धोखा दिया है, ट्रीजन किया है, और उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। उसके बाद उसने क्या किया, चिन इर्सी को भी कहा कि देख तूने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं और तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है और मैं जनता के सामने ले आऊंगा तो तेरे को सब लोग जो है सत्ता से बेदखल कर देंगे और मार देंगे। तो चिरस्वी ने सुसाइड कर लिया, जो राजा था उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद फुसू की तो डेथ हो चुकी थी, तो फुसू का बेटा जो है जिंगसिंग उसको राजा बनाया गया, उसको राजा बनाया गया, वो एम्परर बना। लेकिन उस दौर तक आते आते स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, 15 साल का ही तो दौर था, लेकिन इस दौर में भी आते आते एक सिविल वॉर शुरू हो चुका था क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे। इनके अंडर जो छोटे छोटे किंगडम थे वो आपस में लड़ रहे थे। ये देखिए छोटे छोटे किंगडम क्या थे, जो छोटे छोटे पहले जो किंगडम हुआ करते थे चिन के समय पे, वो अब चाहते थे कि अब हमें वापस आजादी मिले, कहां से हम चिन किंगडम के अधीन आ गए और इसने हमें रूल कर लिया। तो जिन लोगों को फतेह किया था वो लोग अभी, उनके कुछ लोग तो जीवित ही थे, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। तो एक फुल स्केल रिबेलियन ब्रोक आउट हो गया, बेसिकली यहाँ पे रिबेल्स स्टार्ट हो गए, जिसमें भी मेनली एक तरफ से चू था, ये चू किंगडम और ये हैन किंगडम, ये दो किंगडम बने बेसिकली, आप इन्हें किंगडम कह लीजिए या फिर इनके क्षेत्र मान लीजिए, इन दोनों ने विद्रोह करना किया। तो चू और हैन के बीच में भी आपस में भी लड़ाई चल रही थी और ये इंपीरियल चाइना को भी कब्जर करना चाहते थे। तो श्यांग हू जो चू का लीडर था और दूसरी तरफ से लियाबांग जो हैन का एक कॉमनर था, इन दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। और लियाबांग ने सबसे पहले चिन किंगडम को कैप्चर कर लिया एक बार के लिए 206 में, और दूसरी तरफ ये जो जियान वू है इसने भी चिन डायनेस्टी के जो रूलर्स और उसकी फैमिली है उसको पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। तो चू किंगडम ने तो पूरी तरह से, चू किंगडम क्या, चू जो ये जो स्टेट था इसके लोगों ने चिन किंगडम को पूरी तरह से मार दिया, यहाँ के लोगों को मार दिया, यहाँ की राजवंश को मार दिया, लोगों को नहीं राजवंश को मार दिया। अब हैन और चू के बीच में कंटेंशन चलने लग गया, ये आपस में लड़ रहे थे कि भाई अब आगे चल के सत्ता को हासिल कौन करेगा, कैप्चर कौन करेगा। तो लू बैंग ने क्या किया, एक एडवांटेज हासिल किया और चू की जो वाइफ थी, चू में जो लीडर था उसकी वाइफ थी उसको कैप्चर कर लिया, जिया हू की जो वाइफ थी उसको कैप्चर कर लिया, उसका फायदा उठा के बैटल ऑफ जियाक्सिया में उसने जीत हासिल करी। और क्योंकि ये जो लेडी जू थी इसने सुसाइड कर लिया था, लेडी यू ने सुसाइड कर लिया था, इसकी वजह से इसका जो हस्बैंड था जियाऊ उसने भी मरना पसंद किया बैटलफील्ड में कैप्चर होने की बजाय, तो उसकी मृत्यु हो गई। अल्टीमेटली लियू बैंग जो था एक कॉमनर था हैन किंगडम का, हैन स्टेट का, उसने हैन डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट किया। कब से कब तक, 202 से 195 बीसी तक ये यहाँ का एम्परर भी रहा और हैन डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो ये चू और हैन के कंटेंशन चले, 206 से 202 के बीच में कई लड़ाइयां हुई इनके बीच में, लेकिन अल्टीमेटली जीत होती है हैन डायनेस्टी की और हैन एम्पायर जो है वो आगे चल के अस्तित्व में आता है। हैन एम्पायर की हिस्ट्री अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ही और किस तरह से कौन कौन से क्षेत्र पे इसने रूल किया तो उसकी हम बात करेंगे। अब चिन डायनेस्टी की लिगेसी की बात कर लेते हैं। देखिए एक तो सबसे बड़ी लिगेसी तो ये है इनकी कि इन्होंने इंपीरियल चाइना का दौर शुरू किया। तो इंपीरियल चाइना का दौर शुरू करने का मतलब ये है कि इन्होंने चीन को यूनाइट किया, जो पॉलिटिकल केओस का जो दौर था, पॉलिटिकल डिसयूनिटी का जो दौर था उसे खत्म करके चीन को यूनाइट किया। लेकिन इनका जो दौर है वो क्रूल्टी और ऑपरेशन का दौर माना जाता है, ऑप्रेसिव बिहेवियर था इनका, लोगों को बहुत दमन किया इन्होंने, लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसके बाद मैंडेट ऑफ हेवन को इन्होंने डिफाइंस कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उस कॉन्सेप्ट को ही जो पहले से चलता आ रहा था। इन्होंने कई सारे इंटेलेक्चुअल वर्क को और कल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, किताबों को जलाया गया, कई सारे डिसेंडर्स जो थे, जो स्कॉलर्स थे उनको मारा गया। ये बहुत बड़ा कल्चरल और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को धक्का था, नुकसान था। उसके बाद क्योंकि ये डायनेस्टी भले ही पुराने जो एम्परर्स थे और पुराने जो चीज़ें चलती आ रही थी उन सभी को खारिज करती आ रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, हिस्ट्री को अटेम्प्ट इरेज करने की इन्होंने कोशिश करी, वो सब इनके आप कह सकते हैं लिगेसी में और इनके गलत कार्यों में गिना जाता है। इसी वजह से 15 सालों में ही इनका अंत हो गया। और ये देखा जा सकता है कि एक डायनेस्टी जिसके पास इतनी ताकत थी, इतना पावर थी, उसने जब सारी चीज़ों को जो हिस्ट्री में पीछे के लेसन थे उनको जब इग्नोर किया, पावर और कंट्रोल के लिए जब वो भूखे हो गए लोग इस डायनेस्टी के, तो उनको कितना नुकसान सहना पड़ा। लास्ट में इनका पूरा परिवार और पूरा राजवंश खत्म हो गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन तो उसका अंत होना ही है, जब अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा।
तो चिन किंगडम और चिन डायनेस्टी तक हम पढ़ चुके हैं, ये पहले की डायनेस्टीज और ये सब चीजें हो चुकी हैं। हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट्स को भी पढ़ चुके हैं, अब हन किंगडम को पढ़ेंगे और ये जो दौर है इन सबको पढ़ेंगे और रिपब्लिक चाइना तक, धीरे धीरे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तक हम पहुंचेंगे। ओके, तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ सक्सेसफुल एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में ही आपको मिलेंगे। चैट सेक्शन के माध्यम से आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सेम अप्लाइड ऑन इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, सी।